हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप अच्छे होंगे। तो आज आपके सामने मैं बहुत ही यूजफुल आइडिया लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो मैंने बहुत ही ट्रेंडिंग में एक बेल्ट देखी जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है, तो हम उसी बेल्ट को घर में बनाना सीखेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, मेरे पास एक हमने एक लेस का टुकड़ा ले लिया है। इसकी लेंथ मैंने 40 इंच ली थी और 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, यानी कि 41 इंच है। ये मैंने 41 इंच ले लिया। मैं आपको नाप के भी दिखा देती हूँ। आप जब इसको बनाओ तो अपनी आप कमर नाप लीजिएगा और उसी के हिसाब से आप इसको बनाइएगा। तो देखिए, मैं आपको नाप के दिखा रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ये मेरा 41 इंच तैयार है। ये हो गया फ्रेंड्स। और मैंने सेम इसी के मैच का एक कपड़ा लिया है जिसकी लेंथ 2.5 इंच है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, 2.5 इंच, और इसकी भी लेंथ मैंने 42 इंच ली है, यानी कि ये है 41 इंच, तो ये 42 इंच। ये हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ही करके लिया फ्रेंड्स। और इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये एक इसके जो हमारा जो ये कपड़ा है, इस कपड़े के साथ हम पेस्टिंग जॉइंट करेंगे ताकि हमारी जो बेल्ट है वो थोड़ी कड़कपन में आ जाए। तो ये हमने एक पेस्टिंग ली है। ये वे जो हम जिसके पोचे वगैरह बनाते हैं फ्रेंड्स, ये वो वाली पेस्टिंग है। तो इसको भी हम 41 इंच लेंगे। तो इसको हम नाप लेते हैं बेल्ट के साथ इस तरीके से, और हम इसको कट कर लेंगे। तो मैं इसको कट कर लेती हूँ फ्रेंड्स, फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पेस्टिंग कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाले कपड़ों को लेंगे और इसको इस तरीके से चिपका लेंगे। तो हम इस पर प्रेस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर मैं आपको इसको आगे का बताऊंगी फ्रेंड्स। तो हम सबसे पहले इस पर प्रेस करके इसको चिपका लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, चिपकाने से पहले हम इसके कोने बना लेंगे इस तरीके से, जैसे कि हमें थोड़ा सा इसका कोना बनाना है। तो हम इस तरीके से इस बेल्ट का इस तरीके से कोना बनाना है। तो मैं इसको अब प्रेसिंग कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस ये पट्टी पूरी अच्छी तरीके से चिपका ली है। अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमने इसकी नोक बनाई थी ऐसे ही हम इसको इस कपड़े को भी इसी के हिसाब से कट कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा मार्जिन छोड़ के फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसके साथ जॉइंट करने के लिए तैयारी करेंगे। पहले हम इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे फ्रेंड्स इस तरीके से, और ऐसे ही हम इसको भी इसी तरीके से फोल्ड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसको फोल्ड कर लेते हैं फ्रेंड्स इसको, और हाँ उसके बाद हम यहाँ पे दो हमने टुकड़े लिए हैं छोटे छोटे, जो हमें पाइपिंग डोरी जो बनाएंगे उसमें हम एक घंटी का काम करेंगे, लटकन का काम करेंगे। तो ये हो गया, ये दो हमने छोटी छोटी पट्टी ली है ताकि हम इससे पतली सी पाइपिंग बना सकें और हम इस बेल्ट के साथ अटैच करेंगे। तो हमें पहले इसे सिलने से पहले हम डोरियां बना लेते हैं फ्रेंड्स, फिर हम इसको थोड़ी देर में सिलेंगे। तो पहले हम इसकी पाइपिंग बना लेते हैं और साथ में पहले मैं पाइपिंग बना लेती हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये पतली पतली दो डोरियाँ तैयार कर ली है। अगर आप चाहें तो इस डोरी में कोई लटकन वगैरह लगा सकते हैं, वरना आप इसको इस ये जो टुकड़ों की वजह से ही इसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इस तरीके से ये जो मैंने डोरी बनाई है, मैं इसको इस तरीके से ये लटकन तैयार कर लेती हूँ। तो मैं आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरी ये डोरी भी तैयार हो गई है। ये हमने 15 इंच की
लंबाई की डोरी बनाई है ताकि हमें अगर बेल्ट हमारी जैसे मोटे लोगों को पहननी पड़ जाए तो डोरी ये जो बेल्ट छोटी ना पड़े इसलिए ये डोरी लगाई जाती है। तो हमारे अभी ये डोरी सिल गई है तो अब हम इसको सिलना शुरू करेंगे। तो हम इसको तो मैं आपको ये सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स हमने इसको फोल्ड कर लिया है इस तरीके से और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ से भी फोल्ड कर लिया है। ये देखिए हमारे दोनों तरफ से फोल्ड हो गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे आराम से रख के इसको सिलेंगे और इस कोने वाली जगह पर हम एक डोरी अटैच कर देंगे इस तरीके से। इसको हम ऐसे इस डोरी को यहाँ रखेंगे और इस जगह इसी जगह को हम अच्छे तरीके से कवर कर लेंगे और ये डोरी हमारी लग जाएगी। तो ऐसे ही हम इसको पूरी बेल्ट को सिल के चलेंगे, यहाँ से फोल्ड करेंगे और यहाँ इसको हम ऐसे ऊपर से सिलाई लेते चलेंगे। तो मैं इसको आपको सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। एक डोरी हमारी इस कोने पे लगेगी तो दूसरी डोरी हमारी दूसरे कोने पे लगेगी। तो मैं सिल के दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स मेरी ये बेल्ट बन के तैयार है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिशिंग से ये तैयार हुई है और ये हमारी डोरियाँ जो हमने इसमें अटैच कर ली थी। अब इसको हम जब भी इसको किसी ड्रेस के साथ यूज करेंगे तो हम पीछे से इस डोरी को ऐसे लेंगे और इसको बांध लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई फ्रेंड्स। तो आप भी ऐसी बेल्ट बनाइए क्योंकि ये बेल्ट बहुत ही यूजफुल होती है। आप किसी भी साड़ी के साथ इसको यूज कर सकते हैं, किसी भी गाउन के साथ भी यूज कर सकते हैं या आप लहंगे के साथ भी दुपट्टे के साथ इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप भी ऐसी बेल्ट बनाइए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसी बेल्ट को दूसरे तरीके से बनाना सिखाऊंगी। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए बाय।